हेलो गाइस एंड वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी टॉबी मैगवायर की सभी स्पाइडरमैन मूवीज़ के बारे में, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंड्रू गारफील्ड की सभी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज़ के बारे में। द अमेजिंग स्पाइडरमैन की पहली मूवी सन 2012 में रिलीज हुई। कहानी की शुरुआत पीटर पार्कर के बचपन से होती है, जहाँ पीटर के पेरेंट्स रिचर्ड पार्कर और मेरी पार्कर दोनों बेहद परेशान होते हैं और वह पीटर को अपने छोटे भाई बेन पार्कर के पास छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी पीटर के कॉलेज की है, जहाँ पीटर बेहद ही सीधा साधा लड़का होता है और उसे कोई भी परेशान करता रहता है। इसके बाद पीटर को अपने फादर के बैग में एक फाइल मिलती है, जिससे पीटर को ऑस्कोर कंपनी के बारे में पता चलता है। इसके बाद पीटर सीधा ऑस्कोर कंपनी पहुँचता है, जहाँ उसे साइंटिस्ट कर्ट देखने को मिलते हैं। कर्ट एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे उनका राइट हैंड वापस आ सके। इसके बाद हमें बॉलीवुड के लेजेंड सुपरस्टार इरफान खान देखने को मिलते हैं। पीटर उनका पीछा करते करते एक लैब तक पहुँचता है, जहाँ मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। वहीं गड़बड़ी के कारण एक मकड़ी पीटर को काट लेती है, जिससे पीटर का शरीर बेहद ही पावरफुल हो जाता है, साथ और भी बदलाव आते हैं। इसके बाद पीटर डॉक्टर कर्ट के पास पहुंचता है, जहां वह किसी इक्वेशन को सॉल्व कर देता है और डॉक्टर उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद पीटर और गैंग का रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाता है। इसके कुछ समय बाद अंकल बेन की डेथ हो जाती है। इसके बाद पीटर खुद के लिए स्पाइडर सूट और वेब फॉर्मेशन बनाता है। इसके बाद डॉक्टर कर्ट अपने फॉर्मूले को खुद पर यूज़ कर लेते हैं और खुद को एक छिपकली में बदल लेते हैं। अजीब डॉक्टर है, डॉक्टर को हाथ चाहिए था और वह छिपकली बन गया। इसके बाद पीटर की डॉक्टर छिपकली से फाइट होती है और छिपकली को यह पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। साथ ही पीटर को यह पता चल जाता है कि छिपकली पूरे शहर को ही छिपकली बनाना चाहती है। इसके बाद शहर में छिपकली अपना वायरस फैला देती है, लेकिन पीटर ग्वेन की हेल्प से उसका एंटीट्यूड फैला देता है और पूरे शहर को छिपकली बनने से बचा लेता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ग्वेन के फादर मारे जाते हैं और यहाँ पे हमारी पहली मूवी होती है ख़त्म। द अमेजिंग स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट सन 2014 में रिलीज हुआ। स्टार्ट में हमें पीटर के पेरेंट्स की डेथ को बताया गया है। आगे हमें एक नया कैरेक्टर मैक्स देखने को मिलता है, जो कि बेहद ही सीधा साधा और नॉर्मल बंदा होता है, साथ ही स्पाइडरमैन का बेहद ही बड़े वाला और पक्के वाला फैन होता है। मैक्स ऑस्कोर कंपनी के इलेक्ट्रिक विभाग में काम करता है, जहाँ वह एक हादसे में इलेक्ट्रिक ईल के बीच में गिर जाता है और बन जाता है इलेक्ट्रोमैन, और इसके बाद उसे पकड़कर एक जगह बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें हैरी ऑसबॉर्न देखने को मिलता है, जो कि पीटर का फ्रेंड होता है और वह एक बीमारी से ग्रसित होता है और उसे लगता है कि स्पाइडरमैन के खून से वह ठीक हो सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे खून देने से मना कर देता है। इसके बाद हैरी इलेक्ट्रो को अपने फायदे के लिए छुड़ाता है। इसके बाद वह अपने फादर के बनाए हुए एक्सपेरिमेंट को खुद पर यूज़ कर लेता है। इसके बाद इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन के बीच भयंकर फाइट होती है, जिसमें स्पाइडरमैन जीत जाता है। इसके जस्ट बाद हैरी वहां ग्रीन गोब्लिन बन के पहुँचता है। फाइट के दौरान ग्वेन मारी जाती है और यहीं पे हमारी सेकंड मूवी भी होती है ख़त्म। आई होप गाइस कि आपको यह वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।